मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस नए वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, हमारी हर एक घटी कमियों को, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा पिता परमेश्वर ही है। हमें हर एक बीमारियों से चंगा करने वाला, हमारी हर एक समस्याओं से हमें बचा के रखने वाला यहोवा परमेश्वर ही हमें हर एक चीज़ों से बचा के रखता है, हर एक बीमारी से बचा के रखता है। उसका हमें हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, या कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ करने से पहले हमें प्रभु को याद करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम सोने से पहले हमें किस तरीके से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए ताकि प्रभु हमसे बातें करें, हमें अपना दर्शन दे और हमें वो अपनी इच्छाओं को बताए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए। अगर यदि आप इन सभी प्रार्थनाओं को याद करना चाहते हैं तो कहीं लिख ले। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग रोज रात को सोने से पहले इस प्रार्थना को बोल के सोएं ताकि प्रभु आपसे बातें करें, आपको दर्शन दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इन प्रार्थनाओं को मेरे पीछे पीछे जरूर बोलें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं और इस वक्त आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु जी, मैं सारे दिल से तेरी आराधना, तुझसे प्रेम करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे पापों के लिए जान दिया है। प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप दया सागर हैं। हे प्रभु जी, आज के इस दिन में हमने जो भी पाप किए हैं, प्रभु जी उन सभी पापों को क्षमा कर और अपना अनुग्रह हमें दे ताकि प्रभु जी फिर से हम उन सभी पापों को ना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में आपने हमें संभाल कर रखा, हमें आशीष दिया, हमें हर एक संकट से बचाया, हर एक दुर्घटनाओं से बचा के रखा, हर एक बीमारियों से बचा के रखा। प्रभु जी, जिस प्रकार आपने हमें सुरक्षित रखा है, उसी प्रकार आज के इस रात में हम अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमें अपने लहू से ढक लीजिए, अपने पंखों की आड़ में हमें ले लीजिए ताकि प्रभु जी हम हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से बचे रहें और आज के इस रात में हमें सुख शांति की नींद प्रदान कर और हमें अपना दर्शन दे और हमसे बातें कर। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आपने हमें आशीष दिया है। हम प्रभु यीशु के नाम से इन सभी प्रार्थनाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इस तरीके से प्रार्थना करिए, तभी प्रभु आपको आशीष और आपसे बातें करेंगे, आपको दर्शन देंगे और आपको सुख शांति की नींद प्रदान करेंगे और आपको हर एक संकट से बचा कर रखेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबों को जय मसीह की।